इससे क्या बोलते हैं ये काफी, क्योंकि इसका भी लाइफ बहुत ज्यादा होता है, 7 साल 8 साल 9 साल चलता है, लेकिन फिर क्या होता है जबकि साइज होता है, इसको बोलते हैं गाइस गैस कॉर्क। तो गाइस ये आपका गाइस इस नट को एम्प्टी नट बोलते हैं, जिससे कि अगर आप खोजते हैं तो आपको कैसे हैं आप लोग, आई होप आप लोग काफ़ी बेहतर होंगे। तो गाइज आज का एक नया ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, और गाइज आज का ये ब्लॉग होने वाला है काफ़ी बेहतर यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि आज मैं यहाँ पे जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अभी यहाँ पे कुछ दिनों तक यहाँ पे जो मेरा शॉप है उसका वीडियो यहाँ पे आने वाला है, जिससे कि आपको एक कुछ आपको मालूम चले, कुछ आपको ये जो जितना जो वीडियो है वो आपका यूजफुल हो और आपको कुछ जानकारी प्राप्त हो, इसलिए मैं एक ब्लॉग के माध्यम से मैं इसे आपको मैं दिखा रहा हूँ। और आज इस वीडियो में मैं काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ गैस पेयर के पार्ट के बारे में, जो कि हर एक के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, अगर क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है, क्योंकि ये हर एक के घर में यूज होता है, तो आपको जानकारी होना चाहिए कि हाँ कि आगे चल के आपको काफ़ी ज़्यादा काम देगा। तो गैस आज मैं इस वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूँ जो हमारा गैस स्टोव होता है 2 बर्नर या 3 बर्नर या 4 बर्नर का, उसका जो स्पेयर पार्ट रहता है, क्योंकि अगर कोई स्पेयर पार्ट कुछ ख़राब हो जाता है तो आदमी को काफ़ी दिक्कतें होती हैं कि स्पेयर पार्ट का नाम क्या है, वो कहीं कहीं सर्च करते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे आपको एक एक चीज़ का मैं आपको यहाँ पे स्पेयर पार्ट के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो अभी तो मैं जो सिंपल रहता है उसका मैं बताने वाला हूँ, और एक सिर्फ थोड़ा सा अलग आता है जो ग्लास टॉप आता है उसका एक थोड़ा सा अलग अलग स्पेयर पार्ट आता है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं आपको बताऊंगा जो कि सिंपल जो होता है उसका, कि उसमें कौन कौन सा स्पेयर पार्ट लगता है। तो गाइस आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो कि आप देख सकते हैं ये जो ये सिंगल ये आपका डबल हो गया ब्लू लाइन का, मैं यहाँ पे मैं आपको मैं दिखाता हूँ कि इसका स्पेयर पार्ट क्या क्या नाम है, जिससे कि आपको अगर वो सामान ख़राब हो जाता है तो आप आसानी से उसे मार्केट से परचेस कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इसे अनबॉक्स करते हैं। तो गाइस देख सकते हैं ये हमारा हुआ जो सिंपल जो होता है ये देख सकते हैं कि ये हमारा एक ब्लू लाइन का प्रोडक्ट हो गया, जो कि सिंपल गैस स्टोव हो गया, जो कि काफ़ी सालों से यहाँ पे ये चलती आ रही है। प्लस ये इस तरह कंपनी की काफ़ी बहुत ही सॉलिड ये कंपनी, जल्दी ख़राब नहीं होती और इसका लाइफ भी होता है काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इसका लाइफ होता है। उसका एक एक मैं आपको स्पेयर पार्ट के बारे में मैं बताता हूँ इसको क्या बोलते हैं। तो गाइस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो सबसे टॉप में होता है। तो गाइस ये देख सकते हैं इसको क्या बोलते हैं, ये आपको कई तरह के आपको मिलेंगे। ये आपका सीट पैन सपोर्ट है, मतलब लोहा का पैन सपोर्ट है, और इसमें आपको स्टील का मिल जाएगा, बूंदा का मिल जाएगा, लेकिन इसमें आपको लोहा का पैन सपोर्ट है। तो गाइस इसे बोलते हैं पैन सपोर्ट, पैन मतलब होता है क्या बर्तन होता है, बर्तन के सपोर्ट के लिए, तो इसका नाम है पैन सपोर्ट। अगर ये आपका ख़राब होता है, अगर आप मार्केट में बोलते हैं कि हाँ आपको पैन सपोर्ट चाहिए नॉर्मल पैन सपोर्ट, तो ये आपको यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और गाइस अब सेकेंड में आता है ये, तो गाइस अब इससे क्या बोलते हैं ये काफ़ी, क्योंकि इसका भी लाइफ बहुत ज़्यादा होता है, 7 साल 8 साल 9 साल चलता है, लेकिन फिर क्या होता है जब ख़राब होता है तो बीच में इसके दरारें आ जाती हैं और ये यहाँ से फट जाता है बिल्कुल। देख तो गाइस देख सकते हैं मैं इसका एक जो पुराना जो चीज़ है वो मैं आपको दिखा दूँ, इस तरह से गाइस आपका ये फट जाएगा और ये 10 साल 9 साल के बाद ये इस तरह का हो जाता है। तो अगर आपका इसे बर्नर बोलते हैं, तो गाइज यहाँ पे 2 तरह के बर्नर होते हैं। तो गाइज ये जो बर्नर है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इसको बोलते हैं गुल्ला कट बोलते हैं, और गाइज एक ये होता है बर्नर जिसे बोलते हैं जनरल आपका टॉप बोलते हैं। तो अक्सर ज़्यादातर यही गुल्ला टॉप ये यूज होता है, गुल्ला कट यूज होता है। तो आप अगर बोलते हैं कि गुल्ला कट हमको बर्नर चाहिए, आप यहाँ से देख लें कि यहाँ से आपका कटिंग रहेगा और जिसमें आपका फुल साइज रहेगा। तो गाइज ये आपका कटिंग, ये आपका गुल्ला कट हुआ और इसमें आपका जस्ट ये इसका छोटा हो गया। तो गाइज ये आपका बर्नर अगर ख़राब हो जाए, तो अगर आप मार्केट में बोलते हैं कि मुझे बर्नर चाहिए इस ब्रास का या लोहे का, तो आपको इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो पीछे और गाइज अब यहाँ पे आते हैं, तो गाइज अब सबसे टॉप में आते हैं ये, तो गाइज इसको क्या बोलते हैं मैं इसे मैं दिखाता हूँ जो कि बिल्कुल नया है। तो गाइज से खोल कर मैं दिखाता हूँ कि इसको क्या बोलते हैं। तो गाइज ये हो गया जो कि उसको
जो गैस स्टोव है उसको ऑन ऑफ करने के लिए होता है, तो गाइस इसको नोब बोलते हैं। अगर आप मार्केट में बोलते हैं इजिली आपको यहाँ पर 10 रुपये या 20 रुपये में आपको मिल जाएगा। तो गाइस अगर नोब बोलते हैं तो आपको इजिली आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसमें भी बहुत सारी क्वालिटी आती है, 10 रुपये से ये स्टार्ट होता है, 10 रुपये 5 रुपये से ये आपको मिल जाएगा। और गाइस अब आते तो गाइस अब इसमें लगभग कुछ नहीं है, बस कुछ कुछ और है स्पेयर पार्ट, उसके बारे में बताता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे, और इसका मैं पीछे में दिखाता हूँ। तो गाइस ये जो हो गया ये आपका छोटा के लिए, आपको बड़ा, तो गाइस दोनों का एक ही साइज होता है, इसको बोलते गाइस गैस कॉर्क। तो गाइस ये आपका गैस कॉर्क हो गया, जो कि बहुत सारी कंपनी का आता है, पराग का तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आता है, पराग का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और इसका कुछ खास दाम नहीं रहता है, 200 के लमसम में ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो गाइज ये है आपका कॉर्क, अगर आप कॉर्क बोलते हैं तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और गाइज ये जब भी आपको मिलेगा तो फुल्ली सेट मिलेगा। और गाइज इसके आगे एक छोटा सा एक जेड होता है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में जो मैं भट्टी को मैंने किया था, जो छोटा सा होता है, तो गाइज यहाँ पे इसको जेड बोलते हैं। और गाइज आपको यहाँ पे देखना है कि छोटा और बड़ा, तो गाइज दोनों में अलग अलग नंबर के जेड लगते हैं। छोटा में गाइज आपको 58 नंबर 58 नंबर का जेड लगेगा, और जो बड़ा है उसमें आपका 77 मतलब कि 77 नंबर का जेड आपको इसमें लगेगा। तो गाइज ये आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो गाइज और जस्ट ये इसके ऊपर में लगा रहता है कॉर्क के जस्ट ऊपर, उसी से गाइज आपका जो गैस का जो फ्लो रहता है उसी से आपका गाइज तेज होता है। अब आते हैं गाइज ये इसको क्या बोलते हैं, तो ये गाइज ये आपका हो गया मिक्सिंग ट्यूब। तो गाइज इसको आपको मिक्सिंग ट्यूब बोलते हैं, ये आपको दो तरह का आता है, ये आपका एल्यूमिनियम में है और एक इसमें आपको आ जाएगा। तो गाइज इसमें आपको एक लोहे का आ जाएगा, लोहे का मैं दिखाता हूँ कि लोहे किस तरह का होता है। तो गाइज देख सकते हैं कि ये आपका लोहे का हो गया और ये गाइज ये आपका एल्यूमिनियम का हो गया। तो ये सब आपका सिर्फ बर्नर रखने के लिए होता है। और गाइज अब उसके बाद आता है गाइज ये रड। तो गाइज ये इजीली ये दो तरह के रड होते हैं, एक नॉर्मल रड और एक BPL का रड। तो गाइज BPL का रड हल्का छोटा होता है, लेकिन जो नॉर्मल जो रड रहेगा, और गाइज ये बहुत कम ख़राब होती है, इसमें इसका लाइफ आराम से 30 साल 35 साल ये आराम से ये यहाँ पे वो टिक जाता है, तो इसमें जल्दी कोई ख़राबी नहीं आती, तो इसे आपको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गाइज यही सब कुछ है। और गाइज जो यहाँ पे जो नट लगता है, तो गाइज इस नट को एम्प्टी नट बोलते हैं, जिससे कि अगर आप खोजते हैं तो आपको इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगा एम्प्टी नट, जो कि यहाँ पे इसका जो कसा हुआ है। और गाइज इसमें कुछ है नहीं। और गाइज एक चीज़ और है यहाँ पे, इसका मैं दिखाता हूँ ये लेग, इसको मैं आपको मैं खोल के मैं दिखाता हूँ, जो कि एक तरह का आप इसका पैर बोल सकते हैं, लेग बोल सकते हैं। तो गाइज मैं इसको खोल के मैं आपको मैं दिखाता हूँ। तो गाइज देख सकते हैं ये इस तरह का ये लेग हो गया, जो कि यहाँ पे आपका यहाँ पे टाइट होता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसको गाइज देख सकते हैं, ये भी आपको मार्केट में इजिली आपको मिल जाएगा हर एक क्वालिटी में। तो बस यही सब चीज़ था गाइज, जो कि इसका स्पेयर पार्ट हो गया। और गाइज ये इसका बॉडी देख सकते हैं, ये इसका फुल्ली स्टेनलेस स्टील बॉडी हो गया, ये काफ़ी हैवी क्वालिटी में ये आपको यहाँ पे बॉडी आपको मिल जाएगा। और गाइज जो ब्लू लाइन का जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, आपको कम दाम में ये काफ़ी अच्छा ये जो स्टोव हो गया चूल्हा हो गया काफ़ी बेहतर होती है। तो गाइज यही सब एक स्पेयर पार्ट था, जो कि आपको मार्केट में बिजली से आपको आराम से आपको मिल जाएगी। बस सिर्फ ये रहता है कि आपको नाम नहीं मालूम के कारण आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती है, लेकिन ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहे क्या क्या इसका नाम है। तो गाइज मैंने सब आपको बता दें, एक छोटा सा एक मैं क्लू में फिर से मैं दे देता हूँ इसको क्या बोलते हैं। तो गाइज सबसे पहले इसे हम लोग बोलते हैं नोब, ये आपका नोब हो गया। और गाइज ये जो हो गया ये आपका पैन सपोर्ट हो गया। और गाइज ये आपका जो हो गया, तो गाइज ये आपका बर्नर हो गया। बर्नर दो तरह के रहते हैं, जनरल और गुल्ला कट, तो ये आपका बर्नर हो गया। और गाइज ये आपका हो गया मिक्सिंग ट्यूब, ये आपका मिक्सिंग ट्यूब हो गया। और गाइज ये आपका कॉर्क हो गया, और ये आपका रड हो गया, और ये आपका एम्प्टी नट हो गया जहाँ पे ये टाइट है। और गाइज ये आपका हो गया लेग। तो बस इतना ही कुछ है, इतने कुछ होते हैं चूल्हे में, होते हैं नॉर्मल चूल्हा में। और गाइज जो नेक्स्ट जो ब्लॉग रहेगा वो आपका रहेगा जो ग्लास टॉप आता है उसमें क्या क्या रहता है, उसमें थोड़ा सा अलग रहता है लेकिन बाकी सब कुछ सेम रहता है, सिर्फ थोड़ा सा उसमें अलग रहता है, उसका भी मैं जल्द में वीडियो में बना के दूंगा। तो गाइज लगभग मैंने आपको सारी बात मैंने आपको बता दी, जिससे कि आपको ज़्यादा काफ़ी हेल्प मिलेगी अगर कोई आपको सामान ख़राब हो जाता है। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, बस एक छोटा सा आपको एक मुझे आपको क्लू देना था कि आपको आसानी से आपको हर एक सामान अवेलेबल हो जाए। और गाइज अगर आप
मेरे पास आते हैं, कोई लोकल से देख रहे हैं, पटना से देख रहे हैं, पटना दानापुर, तो आप मेरे यहाँ से आके ले सकते हैं। काफ़ी आसान, काफ़ी कम दाम में आपको ये सब अच्छा क्वालिटी में आपको सामान आपको मिल जाएगी। तो गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और इस ब्लॉग में इतना ही। और गाइज अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह का जो ब्लॉग रहेगा वो आपको मिलता रहेगा। तो गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।